कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि नोएडा में होने वाली है। अदरवाइज़ मैं आपको इससे पहले फरीदाबाद ही दिखाता था, तो आज मैं नोएडा में आया हूँ। जो दिखाने वाला हूँ वो सुपरनोवा प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। सुपरटेक बिल्डर का नाम है और ये कुछ मतलब रिसेप्शन एरिया रहेगा। ये रिसेप्शन एरिया है, तो चलते हैं अंदर। सो गाइज़, ये मेरा मॉडल है। ये मेट्रो का वे जा रहा है जो कि आपको दिल्ली तक कनेक्ट करेगा, फरीदाबाद कनेक्ट करेगा और ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करेगा। और इससे बिल्कुल मेट्रो देख लो कनेक्टेड है। ये ब्रिज ऑलरेडी बना हुआ है जो कि ऑलरेडी आपको कनेक्ट करता है मेट्रो तक। आपको 10 लाख स्क्वायर फीट का ये रेजिडेंशियल जो पीछे टावर है इनके लिए बेनिफिट रहेगा कि मॉल आपके नीचे ही है। सेम जैसे बुर्ज खलीफा में है, तो ये पूरा आपको इसमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे। अरमानी, गुच्ची, प्राडा और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो भी एक हाई लेवल ब्रांड होते हैं वो सारे मिलेंगे। प्लस ये ऊपर से लैंडस्केपिंग की हुई है जो आप देख सकते हैं, पीछे स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये पूरा ग्रीनरी भी काफ़ी मेंटेन की गई है अगर 3D मॉडल के हिसाब से मैं बात करूँ। प्लस ये वाला टावर की अगर बात करते हैं तो ये वाला टावर है हमारा ऑफिस स्पेस जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है और ऑलरेडी वर्किंग है, जो कि ऑफिस स्पेस चल रहा है। नोवा ईस्ट है जो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में 2 BHK, 3 BHK ये सारी अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे और अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। सबकी जो एंट्री लॉबी है वो डबल हाइटेड है और आपको 2 BHK और 3 BHK मिलता है। 2 BHK का जो इसका साइज़ आता है वो 1380 आता है और 3 BHK का जो साइज़ आता है वो 2105 आता है। और इसके 38 फ्लोर तक 2 BHK और 3 BHK हैं। और इसके ऊपर पेंट हाउस है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला, ये ऊपर पेंट हाउस है ये सारे। और इसके जस्ट बगल में ये नोवा वेस्ट आता है, ये भी मतलब सेम अपार्टमेंट्स ही है इसमें, 2 BHK और 3 BHK। टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस टावर है। ये पूरा टॉलेस्ट टावर है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा टावर है जो कि आपको एक नोएडा की लोकेशन में मिलेगा। और नोएडा की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से नियर अबाउट साउथ दिल्ली मतलब 0 किलोमीटर है। और इसमें नोवा रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स हैं 3 BHK और 4 BHK। तो इसके 19th फ्लोर तक 3 BHK और 3 BHK और 4 BHK के जो साइजेज़ हैं वो 3000 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक आपको मिलेंगे। प्लस इसके ऊपर 19th फ्लोर से ऊपर जो है इसके स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे जो कि फुल्ली फर्निश्ड मिलेंगे आपको। और जो सुपरटेक कंपनी है वो आपको रेंट भी दे रही है महीने का 70,000 रुपये स्टूडियो अपार्टमेंट का। कहीं आपने देखा नहीं होगा इतना महंगा रेंट। आपको लीज गारंटी मिलती है, इसमें 1 साल तक कंपनी देती है। स्टूडियो जो है 45 फ्लोर तक स्टूडियो थे 19 से लेके, और उसके बाद ऑफिस स्पेसिस हैं इसके ऊपर, ऑफिस स्पेसेस हैं जो कि 56 फ्लोर तक है। ऊपर इसमें स्काई बंगलो हैं जो कि बन चुके हैं ऑलरेडी। और ये आपका एक डेक निकलता है, हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड होता है ना वो भी बना रखा है। तो ऊपर टॉप पे स्काई बंगलोज़ हैं। और स्काई बंगलो ऑलरेडी आपने बादशाह का नाम सुना होगा जो कि रैप स्टार हैं, उनका भी ऑलरेडी इनका स्काई बंगलो में ऑलरेडी परचेज्ड है। प्लस शिल्पा शेट्टी जी का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे लिया हुआ है रोल। मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया है, बट इसके बाद अब मैं आपको एक्चुअल जो सैम्पल फ्लैट्स दिखाऊंगा जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स और 2 BHK बना होगा। और जो ऑफिस स्पेस बने होंगे वो भी मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी पूरा जो एकड़ में जो बात करूँ तो 17.5 एकड़ में बना हुआ है, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। ये पूरी लॉबी रहेगी कुछ इस तरीके से। और ये मैं स्पायरा सूट दिखाने वाला हूँ आपको, जो स्टूडियो अपार्टमेंट मैंने बताए थे। ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट की एंट्री रहेगी अप्रॉक्स काफ़ी अच्छी हाइट दी हुई है, एंट्री की भी 8-8.5 फीट की एंट्री है। और ये लॉबी थी जो मैं आपको दिखा रहा था। बाकी अभी मैं आपको इसका फ्रंट से दिखाऊँगा। और ये पूरा एंट्रेंस रहेगा। और ये सबसे पहले एंटर करते ही आपका ये वॉशरूम आ जाता है। ये वॉशरूम आपको एज इट इज़ मिलेगा जो कि सैनिटरी फिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, वॉश प्रेशर पॉट, वैनिटी, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ऐसी मिलेंगी। प्लस ये आपका किचन प्लस सिटिंग एरिया आ जाता है। और ये किचन रहेगा जो कि इसमें हॉब नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिक्स होते हैं क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। और ये इस तरीके से किचन रहेगा, एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा। ये फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा स्टूडियो। और ये सोफ़े वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये आप देख सकते हो ऊपर, ये सारी चीज़ें, फॉल सीलिंग वगैरह, लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ऐसी ही मिलेंगी। प्लस ये आपका बेड एरिया आ जाता है जहाँ पे आप सोओगे। और ये पूरा कुछ इस तरीके से ऊपर फॉल सीलिंग है और इसमें ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए हुए हैं जो कि आपको लगे हुए मिलेंगे। और ये आपका टीवी सेक्शन आ जाता है, काफ़ी बड़ा टीवी आप लगा सकते हो। ये नीचे आपका टीवी पैनल है और ये एरिया आपका, और ये आपकी बालकनी आ जाती है जो कि रूम से कनेक्ट होती है। काफ़ी बड़ी बालकनी दी हुई है, आराम से आप यहाँ पे सिटिंग एरिया आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं, इवनिंग चाय वगैरह। बाकी ये यमुना का व्यू आता है पूरा, ये एक्चुअल मतलब इमेज बनाई हुई है हमने जो कि एक्चुअल ऐसा व्यू आता है। बाकी मैं अभी ऊपर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा, तो ये एक्चुअल ऐसा व्यू रहेगा बालकनी से आपका। अब मैं स्पायरा जो है लॉबी के बाहर आ चुका हूँ। ये स्पायरा की लॉबी है, ये देख सकते हो। ये सामने टावर है पूरा, ये वही टावर है जो 80 फ्लोर का टावर बनेगा, जो कि टॉलेस्ट टावर है, सबसे बड़ा टावर है। इसमें 2 BH, 3 BH के, 4 BH के हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और ऑफिस स्पेस हैं, ऊपर स्काई बंगलो हैं। जो कि मैं स्पायरा की लॉबी अभी आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हो एकदम। और ऑब्जर्वेटरी डेक है जो कि बुर्ज खलीफा को कॉपी करके बनाया गया है और 37 लिफ्ट्स हैं टोटल। मतलब यार ये लगा लो, इस टावर में 37 लिफ्ट हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या प्रीमियम चीज़ होगी। और ये लॉबी है जो कि मैं स्पायरा की लॉबी अभी आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हो एकदम ट्रिपल हाइट लॉबी है। इतनी बड़ी हाइट लॉबी आपने कहीं देखी नहीं होगी। प्लस ये सामने आपका ये काफ़ी फैंसी स्टाइल में बनाया हुआ है। ये पूरा आपका एज अ कैफ़े भी खोला हुआ है, यहाँ पे बिस्ट्रो कैफ़े खोला हुआ है, ये आप देख सकते हो। कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे पूरा आराम से। आप अगर आपके घर में कोई आता भी है तो यहाँ पे आराम से वेट कर सकता है विथ कॉफ़ी। और ये आपका लिफ्ट एरिया रहेगा और ये पूरा लॉबी एरिया रहेगा जो कि वेटिंग एरिया रहेगा पूरा। और ये पूरी लिफ्टें रहेंगी, इसमें 37 लिफ्ट हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्चुअल स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा आपको हैंडओवर होगा, जो कि 42 फ्लोर पे रहेगा। तो अब हम 42 फ्लोर पे जा रहे हैं और ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, 42 फ्लोर पे आया हूँ मैं। और ये पूरी लॉबी रहेगी, ये सारी स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। ये नंबरिंग आप देख सकते हो 4224, ये पूरी नंबरिंग है। ये पूरी मतलब जैसे ये 5 स्टार होटल की लॉबी होती है ना, उस तरीके से लॉबी बनाई हुई है पूरी। और अभी मैं आपको 42 फ्लोर से स्टूडियो का ना व्यू दिखाता हूँ, क्या व्यू आएगा, एकदम शानदार व्यू आएगा एकदम। नीचे मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया था, ये एक्चुअल जैसा मिलेगा वैसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, एंटर करते ही पहले वॉशरूम आ जाता है आपका, ये वॉशरूम है पूरा। ये एज इट इज़ आपको ऐसा ही मिलेगा, ये सारा कुछ आपको होके मिलेगा। प्लस ये आपका किचन आ जाता है जो मैं आपको बता रहा था, नीचे आपको एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा, ये आप देख सकते हो। ये सोफ़ा है, ये एक्चुअल है, ये ऐसे ही मिलेगा। प्लस ये आपकी बेड एरिया आ जाता है और ये आपका टीवी एरिया आ जाता है। प्लस मैं इसकी आपको बालकनी दिखा देता हूँ, नहीं रहेगी, वो वाला गेट हमसे खुल नहीं रहा था तो मैं बगल वाले में आ गया, तो अब ये गेट खुल रहा है। ये पूरी बालकनी रहेगी और ये देख सकते हो आप, ये हम 42 फ्लोर पर हैं, 42 फ्लोर पर पूरा नोएडा दिखता है भाई यहाँ से। पूरा मतलब पूरा दिल्ली, नोएडा सब कुछ दिखता है भाई, सब कुछ देख सकते हो आप। पूरी यमुना दिख रही है, ये देखो भाई रे, देखा है कहीं ऐसा व्यू। और इसके ऊपर स्काई बंगलो जो है 80 फ्लोर पे, वो तो और ज़्यादा मतलब मज़ेदार होंगे। पूरा ये पूरा देख सकते हो आप, काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है, एकदम जानदार, एकदम शानदार, धमाकेदार, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया इसको देख के। अब ये यहाँ से पूरा नोएडा दिखता है, ये पूरा नोएडा का व्यू था। और जो दूसरे साइड से मैंने दिखाया था वो दूसरी बालकनी थी, वहाँ से पूरी यमुना आ रही थी। तो यहाँ से पूरा ओवरऑल आपको जितना नोएडा है ना, ये सारा नोएडा दिख रहा है। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो जस्ट सामने इसकी जो मेट्रो है, जो मैंने अभी जूम किया है, ये मेट्रो है जो आपको कनेक्टिविटी सीधा इसी से ही मिलती है प्रोजेक्ट से। तो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्ट, कीप लविंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।